कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज लेखक मोहन राकेश द्वारा रचित आखिरी चट्टान अध्याय का शिक्षण कार्य करेंगे। वीडियो के अंत में आपसे अध्याय संबंधी कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे जिनके उत्तर आपको देने हैं। अध्याय कुछ लंबे समय का अवश्य है, लेकिन आपको पूरी रोचकता के साथ अंत तक शिक्षण कार्य करना है। तो शुरू करते हैं इस 15वें अध्याय को, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश। इनका जन्म है वो सन 1925 में होता है और इनकी मृत्यु 1972 में हो जाती है। फिर सबसे पहले जीवन परिचय इनका। नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर। सन 1960 के बाद में हिंदी साहित्य में जो जितनी भी रचित कहानियां थी वो नई कहानियां मानी जाती हैं, और उन्हीं कहानियों को रचने वाले एक मोहन राकेश भी थे। तो मोहन राकेश का जन्म है वो 8 जनवरी सन 1925 को अमृतसर में हुआ। पंजाब का अमृतसर जिला है, वहाँ पर इनका जन्म होता है। और इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया। दो विषय हिंदी और अंग्रेजी है, इसमें इन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की थी। और जीविका उपार्जन के लिए कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया, और अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ जो अध्यापन का कार्य है वो भी इन्होंने किया था। और इस प्रसंग में भी लाहौर, पाकिस्तान का एक शहर है लाहौर, और मुंबई, शिमला, जालंधर और दिल्ली में रहे। भारत के अन्य स्थानों पर भी ये रहे थे। कुछ वर्षों तक कहानी की प्रसिद्ध पत्रिका सारिका का संपादन किया। एक कहानी की एक पत्रिका थी सारिका, उसका संपादन भी इन्होंने किया था। आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे, ये दो नाटक थे। इनके लिए संगीत नाटक अकादमी है उसके द्वारा सन 1968 में इनको पुरस्कृत और सम्मानित किया गया था। 3 दिसंबर 1972 को दिल्ली में इनका असमय निधन हुआ। 3 दिसंबर 1972 को इनका दिल्ली में स्वर्गवास हो जाता है। फिर इनके द्वारा रचित जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे उपन्यास हैं वो हैं अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न जाने आने वाला कल। दूसरा है नाटक, तो नाटकों के नाम हैं वो इस प्रकार से हैं, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, ये 3 नाटक हैं इनके। कहानियों के नाम हैं क्वार्टर व अन्य कहानियाँ, वारिस तथा अन्य कहानियाँ। निबंधों के नाम हैं परिवेश, इनके द्वारा एकमात्र रचित जो निबंध संग्रह परिवेश है वो है, और भ्रमण वृत्तांत, इनके द्वारा एक यात्रा वृत्तांत भी लिखा गया था जो आखिरी चट्टान नाम से है, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। फिर आगे संक्षेप में पाठ का परिचय दिया है। प्रस्तुत पाठ है आखिरी चट्टान एक रोचक यात्रा संस्मरण है। ये एक यात्रा से संबंधित यादें हैं जिसको लेखक ने अपनी लेखनी के माध्यम से रचित की है। दिसंबर 1952 से फरवरी 1953 के बीच मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की है। गोवा से कन्याकुमारी के बीच में इन्होंने यात्रा की थी, और उसी यात्रा का वर्णन इन्होंने अपनी इस रचना में किया है। फिर है मानव मनोविज्ञान और सामाजिक संरचना की सूक्ष्म समझ के कारण यह यात्रा वृत्तांत भौतिक विवरण और आंतरिक मनोदशा का उदाहरण बन गई है। भाषा इतनी पारदर्शी है कि लेखक के अनुभव पाठक के अनुभव में रूपांतरित होने लगते हैं, कि लेखक ने जिस प्रकार का अनुभव किया, ठीक पाठक जब इस रचना को पढ़ेगा तो वो वैसा ही अनुभव करता है जैसा कि लेखक ने अनुभव किया था। कन्याकुमारी के सूर्य अस्त और सूर्य उदय का अत्यंत सूक्ष्म अंकन इस पाठ की अनुपम विशेषता है। तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी स्थान है, उस स्थान का सूर्य अस्त है और सूर्य उदय है, उसका बहुत ही सूक्ष्म अंकन, बहुत ही कला और पारकी के साथ में इन्होंने वर्णन किया है। मानो लेखक ने अपने कलम से प्रकृति का चित्रांकन किया, और लेखक ने अपनी कलम से ये रचना ही नहीं लिखी बल्कि ऐसे लगता है कि उन्होंने प्रकृति का चित्र बना दिया हो, एक तरह से उसका चित्रांकन किया हो। फिर अब ये रचना शुरू होती है आखिरी चट्टान नाम से। तो कन्याकुमारी सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि, सबसे पहले जो उपमा दी गई है कन्याकुमारी को वो सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि के नाम से दी है। केप होटल के आगे बने बाथ टैंक के बाईं तरफ समुद्र के अंदर से उभरी स्याह चट्टानों में से एक पर खड़ा होकर मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। मैं जो समुद्र के अंदर की जो चट्टान थी, उन चट्टानों में से एक पर खड़ा होकर मैं देर तक, बहुत लंबे समय तक, भारत का जो स्थल भाग है उस पर एक चट्टान पर खड़ा हुआ मैं इसको देख रहा था। पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी के मंदिर की लाल और सफ़ेद लकीरें चमक रही थी। वहाँ के पर कुछ स्थान बने हुए थे जो इनकी लाल और सफ़ेद लकीरें हैं वो भी चमकती हुई मेरे को दिखाई दे रही थी। उसके बाद में कहते हैं कि अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल सी वह, जहाँ पर इन तीनों का मिलान होता है उस स्थान पर वह चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी, और स्वामी विवेकानंद ने भी किसी जमाने में इस चट्टान पर बैठकर तपस्या की थी। हर तरफ से
पानी की मार सहती हुई स्वयं समाधि स्थित सी वह लग रही थी और हर तरफ से तीनों तरफ से उस पर पानी है, उसकी लहरें हैं, वो आकर उस चट्टान से टकरा रही थी। फिर है बलखाती लहरें रास्ते की नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती थी जिनसे उनके ऊपर चूरा बूंदों की जालियां बन जाती थी और मैं देख रहा था कि अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था शक्ति का विस्तार और विस्तार की शक्ति और पूरी चेतना के साथ में मैं अपनी पूरी जागरूकता के साथ में इन तमाम दृश्यों को देख रहा था कि किस तरह से चट्टान पर लहरें आती हैं, किस तरह से टकरा रही हैं और किस तरह से उसको भिगो रही हैं। इन तमाम बातों को मैं अपने अंदर की जो चेतना है उससे देख रहा था। फिर तीन तरफ से क्षितिज तक पानी ही पानी था। क्षितिज उस स्थान को कहते हैं जहां पर धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हों, ऐसे स्थान को क्षितिज कहते हैं। तो तीन तरफ से क्षितिज तक पानी ही पानी था, फिर भी सामने का क्षितिज हिंद महासागर का और अपेक्षा अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ता था और दूर दूर तक मेरे को जो पानी है पानी वो दिखाई दे रहा था। लगता था कि उस ओर दूसरा छोर है ही नहीं और देखने से ऐसे लग रहा हो कि दूसरी तरफ कोई किनारा मेरे को नजर नहीं आ रहा था। तीनों ओर के क्षितिज को आंखों में समेटता और मैं कुछ देर भुला रहा कि मैं हूँ और कुछ टाइम तक मुझे मैं स्वयं हूँ या नहीं हूँ इसका भी मेरे को पता नहीं रहा। एक जीवित व्यक्ति, दूर से आया यात्री और एक दर्शक, उस दृश्य के बीच में जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ा रहा और मैं सिर्फ वहाँ पर देखने वाला एक दर्शक की भांति मैं स्वयं को ही भूल चुका था और वहाँ के दृश्यों में इतने ज़्यादा मशगूल हो गया था। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान पर जब अपना होश हुआ तो देखा कि मेरी चट्टान भी तब तक बढ़ते पानी से काफ़ी घिराई है और धीरे धीरे पानी है वो बढ़ रहा था। तो उसके बाद में धीरे धीरे मेरे को एहसास होने लगा कि मेरी चट्टान है उस पर भी पानी है, उसका चढ़ाव है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। मेरा पूरा शरीर सिहर गया और शरीर में एक कंपकंपी सी पैदा होने लगी। मैंने एक नज़र फिर सामने उमड़ते हुए विस्तार पर डाली और पास की एक सुरक्षित चट्टान पर कूदकर दूसरी चट्टानों पर से होता हुआ किनारे पर पहुंच गया और मैं एक चट्टान से दूसरी चट्टान से होता हुआ मैं धीरे धीरे है वो किनारे पर पहुंच गया। फिर जितने भी विद्यार्थी हैं वो ध्यान देंगे कि जहाँ पर भी डबल लाइनें इंगित की गई हैं वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। परीक्षा में जब आप प्रश्नों के उत्तर देंगे तो ये महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए काफ़ी सहायक साबित होंगे उत्तर देते वक्त। तो इन बातों को आपको बहुत ही ध्यान से देखना और समझना है। फिर आगे दिया है, पश्चिमी क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा था। मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा और धीरे धीरे जिस तरफ सूर्य है उसका अस्त हो रहा था उसी दिशा में मैं चल रहा था। दूर पश्चिम तटरेखा की एक मोड़ से पीली रेत का एक ऊंचा सा टीला नजर आ रहा था। सोचा उस टीले पर जाकर सूर्यास्त देखूंगा और एक मेरे को टीला नजर आया और वहां पर जाकर मैंने ऐसे मन में सोचा कि वहां पर जाकर मैं सूर्यास्त को होते हुए देखूंगा। फिर यात्रियों की कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थी, मेरे आगे कुछ मिशनरी युवतियां कि बहुत से यात्रियों की टोलियां जिस दिशा में मैं जा रहा था उधर और भी यात्री कई जा रहे थे और मेरे आगे कुछ मिशनरी युवतियां, कुछ युवतियां थी, कुछ लड़कियां थी जो मोक्ष की समस्या पर विचार करती चल रही थी और वो लड़कियां आपस में जिस बात पर के बारे में बतला रही थी वो मोक्ष की समस्या थी कि व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद में मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है उसके बारे में विचार कर रही थी। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा चुपके से मोक्ष का कुछ रहस्य पा लेने के लिए और मैं है वह भी धीरे धीरे उनके पीछे उनकी बातें हैं उसमें जो मोक्ष पर चर्चा हो रही थी उसको जानने की जिज्ञासा मेरी भी थी तो मैं उस विषय में जानना चाहता था तो मैं भी उनकी बातें हैं वो सुनना चाहता था। यूं ही उनकी बातों से कहीं रहस्यमय आकर्षण से उसके युवा शरीरों में था और पीली रेत की पृष्ठभूमि में उनके लबादों के हिलते हुए सफ़ेद रंग बहुत ही आकर्षक लग रहे थे और उन्होंने जो लबादे पहन रखे थे बड़ा जो मोटा वस्त्र जो उन्होंने पहन रखा था उससे भी वो काफ़ी आकर्षक लग रहे थे। फिर है, मोक्ष का रहस्य अभी बीच में ही था। मोक्ष है उसके बारे में मेरे को पूरा अभी पता चला भी नहीं था कि हम लोग टीले पर पहुँच गए और इतने में हम एक टीले पर पहुँच जाते हैं। यह वह सैंड हिल थी और मिट्टी का एक टीला था। ये सैंड हिल अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी का अर्थ मिट्टी का टीला होता है जिसकी चर्चा मैं वहाँ पहुँचने के बाद से ही सुन रहा था। सैंड हिल पर बहुत से लोग थे, 8-10 नवयुवतियाँ और 6-7 नवयुवक और 2-3 गांधी टोपियों वाले व्यक्ति। वे शायद सूर्यास्त देख रहे थे और जितने भी जो लोग थे वहाँ पर वो सब के सब सूर्य को अस्त होते हुए देख रहे थे। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बारे में उन्हें सूर्यास्त के समय की काफ़ी
पिला रहे थे और उन्हीं लोगों के वहां होने से सैंड हिल बहुत रंगीन हो उठी थी। कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने विशेष रुचि के साथ में, जो कन्याकुमारी का जो सूर्यास्त था वो प्रसिद्ध था, उसी को देखने के लिए विशेष रुचि के साथ फिर आगे है सुंदर रंगों का रेशम पहना था। हवा समुद्र की तरह है, उस रेशम में भी लहरें पैदा कर रही थी। मिशनरी युवतियाँ वहाँ आकर थकी थकी सी एक तरफ बैठ गई और उस पूरे कैनवस में एक तरफ छिटके हुए कुछ बिंदुओं की तरह, और यानी कि वहाँ का जो तमाम वातावरण है उसमें वो जिस तरह से बूंदे हैं वो छिटकने के बाद में एक तरफ हो जाती हैं, वैसे ही वो महिलाएँ हैं, युवतियाँ हैं, वो आकर एक कोने में बैठ जाती हैं। उनसे कुछ दूर का एक रंगहीन बिंदु में ज़्यादा देर अपनी जगह स्थिर नहीं रह सका, और मैं भी एक जगह पर खड़ा जरूर था लेकिन मैं भी अपनी जगह पर ज़्यादा देर तक स्थिर नहीं रहा। सैंड हिल के सामने का पूरा विस्तार तो दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था जो उधर के विस्तार को ओट लिए हुए था। सूर्यास्त पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखा जा सके इसके लिए मैं कुछ देर सैंड हिल पर रुका रहा, और सूर्यास्त है वो कि पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखा जा सके कि सूर्यास्त होता कैसे है इसके लिए मैं उसी सैंड हिल पर, उस टीले पर है, मैं वहाँ पर रुका रहा। रहकर आगे उस टीले की तरफ चल दिया, पर रेत पर अपने अकेले कदमों को घसीटता हुआ वहाँ पहुँचा तो देखा कि उससे आगे उससे भी ऊँचा एक और टीला है, और जैसे जैसे मैं सूर्यास्त को देखने के लिए एक टीले से दूसरे टीले की तरफ बैठ रहा था तो मेरे को ऐसे लगा कि जिस टीले पर मैं पहुँचा हूँ उससे आगे वाला जो टीला है वो उससे भी बड़ा है। जल्दी जल्दी चलते हुए चलते था जल्दी जल्दी चलते हुए हर टीले पर पहुँचने पर लगता कि शायद अब एक ही टीला और है और उस पर पहुंचकर पश्चिमी क्षितिज का खुला विस्तार अवश्य नजर आ जाएगा, लेकिन मेरे मन में यही जिज्ञासा थी कि अब एक ही टीला है, एक ही टीला बचा है और उसके पर पहुंचने के बाद में मैं आराम से उस खुले हुए स्थान में सूर्य उदय अस्त होते हुए को देखूंगा। लेकिन ऐसा था नहीं, और सचमुच एक टीले पर पहुंचकर वह खुला विस्तार सामने फैला दिखाई दिया। लेकिन अंत में होता भी ऐसा ही है कि अंत में एक टीले पर जाकर मैं जहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर मेरे को सामने खुला एकदम से वातावरण है वो दिखाई देता है। वहाँ से दूर तक रेत की लंबी ढलान थी जैसे वह टीले से समुद्र में उतरने का रास्ता हो। सूर्य तब पानी से थोड़ा ही ऊपर था और अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया। ऐसे जैसे ही वह टीला संसार की सबसे ऊंची चोटी हो और उस टीले पर मैं कुछ अपने क्षण हैं वो बिताने के लिए वहाँ पर मैं बैठ जाता हूँ, और मेरे को ऐसे लगा कि ये संसार की सबसे ऊंची चोटी हो, और मैंने सिर्फ मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया, और मेरे को ऐसे लगता हो कि मैंने इस चोटी को जैसे जीत लिया हो, विजित कर लिया हो, ऐसे लग रहा था। फिर है पीछे दाईं तरफ दूर दूर तक उगे हुए नारियलों के झुरमुट नज़र आ रहे थे, और दूर दूर तक नारियलों के जो झुंड हैं वो भी मेरे को उगे हुए नज़र आ रहे थे। गूंजती हुई तेज़ हवा से उनकी टहनियां ऊपर को उठ रही थी और आकाश की तरफ उठकर हिलती हुई वे टहनियां ऐसे लग रही थी जैसे उन्मुक्त रति के क्षणों में, प्रेम के खुले क्षणों में किसी नग्न वन युवतियों की बाएँ हों और किसी युवती की कोई बाएँ हों, ऐसे उस नारियल के वृक्षों की जो हिलती हुई टहनियाँ लग रही थी। पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी जो सामने फैली रेत के कारण बहुत ही रूखी बीहड़ और वीरान लग रही थी। सूर्य की सतह के पास पहुँच गया था और सुनहली किरणों से पीली रेत एक नया सा रंग दे दिया था, और धीरे धीरे मैं क्या करता हूँ कि जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो सूर्य की किरणें जो रेत पर गिर रही थी तो वो पीली रेत है वो मेरे को कुछ उसका अलग अलग रंग है वो नज़र आ रहा था। उस रंग में रेत इस तरह से चमक रही थी जैसे अभी अभी उसका निर्माण करके उसे वहाँ उडेला गया हो, और मैंने उस रेत पर दूर तक बने अपने पैरों के निशानों को देखा, और मैं पीछे पीछे अपने जो पैरों के निशान बने हुए थे उनको भी उस रेत में देख रहा था। लगा जैसे रेत का कुंवारापन पहली बार ही उन निशानों से टूटा हो, और मेरे को ऐसे लगता हो कि जैसे मैं उन पर चल रहा हो तो उन पर किसी भी प्रकार के और कोई निशान नहीं थे, और उन्हीं निशान मैं अपने ही निशान है उस मिट्टी पर छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। इससे मन में एक सिरहन सी हुई और हल्की उदासी फिर घेराई। फिर उसके बाद में सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया, और धीरे धीरे मेरे को ऐसे लगा कि सूर्य है वो पानी में अब डूब रहा है, क्योंकि समुद्र सामने था तो धीरे धीरे वो सूर्य एक गोलाई की आकृति में मेरे को दिखाई दे रहा था और वो उस पानी में डूब रहा था। पानी पर दूर दूर दूर
पानी पर दूर तक सोना ही सोना ढुलाया और वह रंग इतनी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी एक क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव है। और सूर्य जैसे जैसे पानी के अंदर समाता जा रहा था तो पानी का जो रंग है वो अलग अलग प्रकार से बदलता जा रहा था। सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी में पानी के लावे में डूबता जा रहा था। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया और धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते वो पानी में सूर्य है वो पूरा डूब जाता है। कुछ क्षण पहले जहाँ सोना वहाँ पर बह रहा था ये सूर्य की किरणें जब पानी पर गिर रही थी तो सोने की आकृतियाँ सी बन रही थी या सोने के नज़र में वो पानी है वो उसका रंग नज़र आ रहा था। लेकिन अब वहाँ लहू बहता नज़र आने लगा और जिस तरह से धीरे धीरे है उसकी कालिमा थोड़ी सी बढ़ने लगी, थोड़ी लालिमा होने लगी, फिर कालिमा होती है धीरे धीरे। और कुछ क्षण बीतने पर वह लहू भी धीरे धीरे बैंगनी रंग होता हुआ काला पड़ गया और इसका अर्थ है सूर्य पूरी तरह से डूब चुका था और वो पानी है वो मेरे को काला नज़र आने लगा। मैंने फिर एक बार मुड़कर दाईं तरफ पीछे देख लिया। नारियलों की टहनियाँ उसी तरह हवा में ऊपर उठ रही थी और हवा उसी तरह गूंज रही थी पर पूरे दृश्य पट पर स्याही फैल गई थी। एक दूसरे से दूर खड़े झुरमुठ स्याह पकड़ कर जैसे लगातार शीर धुन फिर आगे है धुन रहे थे और हाथ पैर पटक रहे थे। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुठियाँ भींचता खोलता कभी उस तरफ और कभी समुद्र की तरफ देखता और धीरे धीरे मैं अपने उस टिल्ले से खड़ा हो जाता हूँ और कभी मैं समुद्र की तरफ देखता हूँ और कभी मिट्टी की तरफ देखता हुआ। अचानक ख्याल आया कि वहाँ से लौटकर भी जाना है और उसके बाद में मैं उस वातावरण को देखते देखते इतना ज़्यादा वहाँ पर रम चुका था उसके बाद में मेरे को याद आया कि मेरे को यहाँ से लौटकर भी जाना है। इस ख्याल से ही शरीर में कंपकंपी भर गई और दूर सेंड हिल की तरफ देखा और दूर तक उस रेत के टिल्ले की तरफ देखा। वहाँ स्याही में डूबे हुए कुछ धुंधले रंग हिलते नजर आ रहे थे। मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की पर उतनी दूर से आकृतियों को अलग अलग कर सकना संभव नहीं था। मेरे और उन रंगों के बीच स्याह पड़ती रेत के कितने ही टिले थे और मन में डर समाने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टिलों और मेरे मन में इतने धीरे धीरे यह डर भी होने लगा कि मेरे को वापस जिस स्थान से मैं आया हूँ वहाँ पर उस स्थान पर मेरे को वापस भी जाना है। और मेरे मन में इस बात का डर था कि मैं जितने टिले पार करके आया हूँ क्या उन टिलों को मैं इतना जल्दी जल्दी पार कर सकूँगा, फिर है उन सब टिलों को पार करके जा सकूँगा। कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी पर लगा कि नहीं, उस रास्ते जाऊंगा तो शायद रेत में ही भटकता रह जाऊंगा। और धीरे धीरे मैंने मन में परिवर्तन किया कि मैं जिस रास्ते से आया हूं अगर उसी रास्ते से अगर मैं वापस गया तो मैं वहां पर भटकता ही रहूंगा, इसलिए सोचा बेहतर है नीचे समुद्र के तट पर उतर जाऊं और तट का रास्ता निश्चित रूप से केप होटल के सामने तक ले जाएगा और जिस केप होटल से मैं चला था उसी तक मेरे को वापस है वो ये रास्ता ले जाएगा। कौन सा रास्ता? समुद्र तट पर अगर मैं उतर जाऊं तो वो रास्ता। निर्णय तुरंत करना था इसीलिए बिना और सोचे मैं रेत पर बैठकर नीचे तट की तरफ फिसल गया और मैं धीरे धीरे क्या करता हूँ कि रेत पर बैठकर नीचे की तरफ उस टिल्ले से फिसला ताकि मैं उस समुद्र के तट के पास में पहुँच जाऊँ। जितने भी विद्यार्थी हैं वो ध्यान देंगे, इस पाठ में बहुत सी गहरी बातें हैं, आपको पूरे आपके ध्यानपूर्वक नज़र से इस प्रत्येक पंक्ति को देखना है ताकि आपको सभी बातें हैं वो समझ में आ सकें, तो आपके पूरे ध्यान को यहाँ पर लगाए रखना है। यूँ पहले ही समुद्र तट पर कई कई रंगों की रेत देखी थी, सुरमई खाकी पीली और लाल, मगर जैसे रंग उस रेत में थे वैसे मैंने पहले कभी कहीं रेत में नहीं देखे थे। कितने ही अनाम रंग थे वे एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग और एक एक रंग कई कई रंगों की फिर आगे दिया है कई रंगों की झलक लिए हुए काली गठा और घनी आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों की जितनी तरह से अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते थे। तो मेरे को वहाँ पर जितने भी जो सूर्य उदय के समय अलग अलग प्रकार के न जाने कितने प्रकार के रंग हैं वो वहाँ नज़र आने लगे वे सब वहाँ थे और उसके अतिरिक्त बहुत से रंग थे। मैंने कई अलग अलग रंगों की रेत को हाथ में लेकर देखा और मसलकर नीचे गिर जाने दिया। जिन रंगों को हाथों से नहीं छू सका उन्हें पैरों से मसल दिया। मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास रख लूं पर कोई उपाय नहीं था। ये सोचकर फिर किसी दिन आकर
उस रेत को बटोरूंगा और मन में ऐसे हुआ कि हर रंग हर टाइप के जो रंगों की मिट्टी है उसमें से कुछ कुछ मिट्टी है वो अपने पास में रख लूं, लेकिन ऐसा मेरे लिए कर सकना कोई संभव नहीं था और मैंने सोचा कि फिर कभी मैं आऊँगा तो ऐसा मैं कर सकूँगा। ये सोचकर कि फिर किसी दिन आकर उस रेत को बटोरूंगा और मैं उदास मन से वहाँ आगे चल दिया और उसके बाद में धीरे धीरे मैं उसी मन से चल देता हूँ। समुद्र में पानी बढ़ रहा था, तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी और लहर मेरे पैरों को भिगो गई और लहरें हैं वो समुद्र की धीरे धीरे मेरे पैरों को भिगो रही थी, तो सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा और तट का सिर्फ 3-3, 4-4 फुट हिस्सा पानी से बाहर था और लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे भी अपने अंदर समा लेगा और एक बार सोचा कि रेत से होकर फिर ऊपर चला जाऊं, पर वह स्याह पड़ती रेत इस तरह दीवार की तरह उठी थी कि उस रास्ते से ऊपर जाने की कोशिश करना ही बेकार था। और मैं तट पर जब चल रहा था तो मेरे मन में ये ऐसी बातें भी आ रही थी कि मैं यहाँ से उठकर थोड़ा ऊपर चला जाऊँ या कहीं किसी दूसरे रास्ते को बदल लूँ, तो ऐसे मन में हो रहा था। लेकिन मेरे मन में फिर यही बात आई कि मेरी कोशिश करना ही बेकार है, मेरे मन में खतरा बढ़ गया और मैं दौड़ने लगा और धीरे धीरे मैंने अपनी जो दौड़ है वो भी लगानी शुरू कर दी थी। उसके बाद में आगे लिखा है, दो एक और लहरें पैरों के नीचे आकर लौट गईं और मैंने जूता उतार कर हाथ में ले लिया। एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपनी लपेट में लेने आ रही हो। और समुद्र की जो लहरें हैं उनकी स्पीड बढ़ती जा रही थी और वो लहरें इतनी ज़्यादा तेज़ आ रही थी कि एक लहर तो इतनी तेज़ आई कि मेरे को अपने आगोश में लेना चाहती हो, ऐसे ही मुझे लगा। सामने एक ऊंची चट्टान थी, वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की और फिर उससे टकरा गया और बाहों पर हल्की खरोंच आ गई और धीरे से उस चट्टान के लग जाने के कारण थोड़ी बाहों पर मेरे को खरोंच भी आई पर ज़्यादा चोट नहीं लगी। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी और उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था, पर उस समय पानी की तरफ पाँव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ और धीरे धीरे पानी पर में जाने का मेरा मन नहीं हुआ कि मैं कहीं पर पानी के अंदर चला जाऊँ। मैं चट्टान की नोकों पर पैर, उसके बाद में आगे है, रखता किसी तरह उसके ऊपर पहुँच गया। सोचा कि नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित होगा और पर ऊपर पहुँच कर लगा जैसे मेरे साथ एक मजाक किया गया हो। चट्टान के उस तरफ तट का खुला फैलाव था लगभग 100 फुट का और कितने ही लोग वहाँ टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहाँ से रास्ता बना भी था और मन से डर निकल जाने से मुझे अपने आप ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, मुझे अपने आप काफ़ी हल्का लगा और मैं चट्टान के नीचे कूद गया। और इस तरह से धीरे धीरे मैं उस रास्ते पर कभी चट्टानों पर जा रहा था, कभी किनारे पर चल रहा था और कभी टीलों पर भी चला था, तो अलग अलग स्थानों पर मैंने चलते चलते अंत में मैं एक चट्टान से नीचे कूद जाता हूँ। रात केप होटल का लोन, और उसके बाद में रात हो जाती है और मैं केप होटल है उसके लोन में आ जाता हूँ। अंधेरे में हिंद महासागर को काटती कुछ स्याह लकीरें, एक पौधे की टहनियां और नीचे सड़क पर टॉर्च जलाता बुझाता एक आदमी, दक्षिण पूर्व में क्षितिज में एक जहाज की मंदिम सी रोशनी, और मैं केप होटल में आने के बाद में मैंने ये चीज़ें देखी। जैसे अंधेरे में हिंद महासागर को काटती हुई कुछ स्याह लकीरें एक पौधे की टहनियां सी लग रही थी, नीचे सड़क पर टॉर्च जलाता बुझाता एक आदमी नजर आ रहा था और दक्षिण पूर्व के क्षितिज में एक जहाज की मंदिम सी रोशनी, एक जहाज भी मेरे को दिखाई दिया पानी का और उसमें भी मंदिम रोशनी है वो हो रही थी। फिर आगे है, मन बहुत बेचैन था और बिना पूरी तरह भीगे सूखती मिट्टी की तरह है। जगह है मुझे इतनी अच्छी लगी कि मन था कि अभी कई दिन और कई सप्ताह वहीं रहूं, और मेरा मन इतना ज़्यादा लग चुका था कि अभी कई दिनों तक और कई सप्ताह तक मैं वहीं रहूं। पर अपने भुलक्कड़पन की वजह से एक ऐसी हिमाकत कराया था कि लग रहा था कि वहाँ से तुरंत लौट जाना पड़ेगा। अपना सूटकेस खोलने पर पता चला, तो यहाँ पर लेखक से क्या होती है, गलती हो जाती है, और वो गलती क्या होती है, जब उसको सूटकेस खोलता है तब पता लगती है। अपना जो सूटकेस है जो जिसमें जो भी अपना सामान है, कपड़े और जो भी रखे हुए थे, उसको जब उसने खोला तो पता चला कि कनाकोर में 17 दिन रहकर जो 80-90 पन्ने लिखे थे, कि कनाकोर नाम का एक स्थान था उसमें वो 17 दिन तक रहे थे और वहाँ पर उसने 80-90 पेज कोई लिखे थे किसी विषय के बारे में, वे वहीं मेज की दराज में छोड़ आया, और वो कनाकोर में ही एक मेज थी और वहाँ पर उसकी दराज में वो छोड़ आया था। अब मुझे दो में से एक चुनना था, एक तरफ कन्याकुमारी का सूर्यास्त
और समुद्र तट और वहाँ की रेत। अब मेरे को ये दोनों में से एक चुनना था। एक क्या चुनना था कि या तो कनाकोर जाकर उन पेजों को लेकर आऊँ या इधर कन्याकुमारी का इसी सूर्यास्त को, इन्हीं समुद्री तटों को और वहाँ की रेत को देखता रहूँ। दूसरी तरफ अपने हाथ से लिखे कागज जो शायद अब भी सिवाय होटल की एक दराज में बंद थे, मैं देर तक बैठा सामने देखता रहा, जैसे कि पौधे की टहनियाँ और उसके हाशिए में बंद महासागर के पानी से मुझे अपनी समस्या का हल मिल सकता। और मैं लंबे समय तक वहाँ पर बैठा रहा, अपने उसी समुद्री महासागर की उस पानी की लहरों को मैं देखता रहा और मन में सोचता रहा कि मेरे को क्या करना चाहिए और क्या निर्णय मेरे को करना है। फिर कुछ देर में एक गीत का स्वर सुनाई देने लगा जो धीरे धीरे पास आता गया और एक कॉन्वेंट की बस होटल के कंपाउंड में आकर रुक गई। और कॉन्वेंट की बस होटल के कंपाउंड में आकर रुकती है। बस में बैठी लड़कियां अंग्रेजी में एक गीत गा रही थी कि कुछ लड़कियां उस बस में बैठी हुई थी और वो अंग्रेजी में अपना कोई गीत गा रही थी जिसमें समुद्र के सितारे को संबोधित किया गया था और समुद्र के बारे में वो गीत है वो चल रहा था। उस गीत को सुनते हुए और दूर जहाज की रोशनी के ऊपर एक चमकते सितारे को देखते हुए मन और उदास होने लगा। गहरी सांझ के सुरमई रंग की रंग में रंगी वह आवाज़ मन में गहराई के किसी कोमल रोए को हल्के हल्के सहला रही थी। लग रहा था कि उसी रोए की जिद शायद मुझे वहाँ से जाने नहीं देगी। और वहाँ के जो दृश्य हैं, जहाँ पर लेखक बैठा था कॉन्वेंट होटल में, और वहाँ के दृश्य इतने खूबसूरत उसको नज़र आ रहे थे और वहाँ का जो वातावरण वो इतना अच्छा लग रहा था कि लेखक को ऐसे लगने लगा कि ये तमाम चीज़ें मेरे को यहाँ से जाने नहीं देंगी। लेकिन उससे भी जिद्दी एक और रोया था कि दिमाग के किसी कोने में अटका जो सुबह वहाँ से जाने वाली बसों का टाइम टेबल मुझे बता रहा था। गीत के स्वरों की प्रतिक्रिया के साथ टाइम टेबल के हिंद से जुड़ते जा रहे थे। टाइम टेबल के हिंद से यहाँ पर गिनती के अंकों को कह रहे हैं। अरबी में 1, 2, 3 जो संख्याएं होती हैं उनको हिंदसों के नाम से पुकारा जा रहा है। तो जो टाइम टेबल है उसके हिंद से हैं, उसके जो संख्याएं हैं वो उसको लेखक को बता रही थी कि पहली बस 7:15, दूसरी 8:35, तीसरी इस तरह से कि इस बस का टाइम ये है, इस बस का टाइम ये है वहाँ पर जाने का। तो ये चीज़ें भी मेरे दिमाग में चल रही थी। थोड़ी देर में बस लौट गई, गीत के स्वर विलीन हो गए और बस जैसे ही लौटी उन युवतियों से भरी हुई, तो वहाँ पर वो जो युवतियाँ गीत गा रही थी वो स्वर हैं वो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं जैसे बस के जाने से। मन में केवल हिंसकों की चरखी चलती रही और मन में वही 7:35, 8:30 ऐसे ही यानी कि मन में है वो बातें चल रही थी। बसों का जो टाइम टेबलों की जो संख्या है वो मेरे मन में चल रही थी। फिर आगे दिया है, ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8,000 की आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित युवक ऐसे हैं जो बेकार हैं। उसके बाद में क्या होता है कि एक ग्रेजुएट युवक, काफ़ी पढ़ा लिखा हुआ युवक कि 12वीं क्लास के बाद में जो 3 वर्ष का जो कोर्स संपूर्ण हो जाता है तो एक व्यक्ति ग्रेजुएट माना जाता है। तो ऐसा ही किया हुआ एक नवयुवक है, वो मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8,000 की आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार हैं। कि 8,000 की यहाँ पर टोटल आबादी है और उसमें 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार हैं। बेकार का अर्थ है जो कुछ बेरोजगार भी हैं, वो उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट हैं और कब से 400-500 में से कम से कम आप मानो तो 100 के करीब वो ग्रेजुएट हैं। उनका मुख्य धंधा है नौकरियों के लिए अर्जियां देना और बैठकर आपस में बहस करना। वह खुद वहां के ऑटो एल्बम बेचता था और दूसरे नवयुवक भी उसी तरह के छोटे मोटे काम करते थे। और यहाँ पर वो जो ग्रेजुएट नवयुवक है वो लेखक को ये भी बता रहा है कि किसी टाइम पर वो भी ग्रेजुएटों की तरह फोटो एल्बम बेचने का काम किया करता था और उन्हीं की तरह वो कोई छोटे मोटे काम किया करता था। लेकिन हम लोग सीपियों का गुद्दा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते, फिर आगे दिखा है करते हैं। वह कह रहा था कि इसी चट्टान से इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती है और मुझे दिखाने के लिए उसने वहीं से एक सीपी लेकर उसे तोड़ा और उसका गुद्दा मुँह में डाल लिया। सीपी एक समुद्री जंतु है और उस के बारे में खाने की संबंधी घटना है वो भी लेखक को वो ग्रेजुएट नवयुवक दिखाता है। पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिलाकर छोटे छोटे दीपों की तरह समुद्र में बिखरी श्या चट्टानों की चोट से सूर्य उदय हो रहा था। घाट पर बहुत से लोग, अब धीरे धीरे क्या है कि सूर्य का उदय भी हो जाता है उसके बाद में,
और घाट पर बहुत से लोग उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एकत्रित हुए थे, और घाट पर बहुत से ऐसे लोग थे जो सूर्य को की आराधना में वो जल का अभिषेक जो करते हैं उसके लिए एकत्रित थे। घाट से थोड़ा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बेरे सरकारी मेहमानों को सूर्योदय के समय कॉफ़ी पिला रहे थे। दो स्थानीय नवयुवतियाँ उन्हें अपने टोकरियों से शंख और मालाएँ दिखा रही थी, और वहाँ की कुछ नवयुवतियाँ भी थी जो लोगों को है वहाँ के जो कुछ लोग वहाँ पर आए हुए थे उनको कोई किसी को शंख दिखला रही थी और किसी को मालाएं हैं वो दिखला रही थी बेचने के लिए। वे लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे थे, मालाओं का मोल तोल और अपने बायनाकुलर से सूर्य का दर्शन कि वहाँ पर वो मालाओं की खरीदारी भी कर रहे थे वहाँ पर वो जो लोग थे वो, और अपने बायनाकुलर्स यहाँ पर ये जो दूरबीन है उसको ये इंग्लिश में संबोधित किया गया है, उससे वो कुछ लोग हैं वो सूर्य को के दर्शन भी कर रहे थे उगते हुए के। मेरा साथी अब मोहल्ले के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था, और मेरे साथ में जो ग्रेजुएट नवयुवक था वो मेरे को इस तरह से प्रत्येक मोहल्ले के बारे में ऐसे बता रहा था कि इस मोहल्ले में इतने नवयुवक हैं वो बेरोजगार हैं। बहुत से कडल काक हमारे आस पास तैर रहे थे। कडल काक एक समुद्री पक्षी होता है जो वहाँ पर तैर रहा था, वो भी आस पास में हमारे तैर रहे थे, और वहाँ की बेकारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता इन दोनों से बेलाग, और वो सब कुछ बातें हैं मेरे को बता रहा था जो बेरोजगारी की समस्या है उसके बारे में, सूर्योदय की विशेषता है वो इन दोनों से बेलाग। सूर्योदय हो रहा था उससे हमारे को इस बात का पता नहीं लग रहा था कि हम हैं वो किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, एक तरफ सूर्योदय होना हम भूल सा गए थे। फिर आगे हैं, मेरे साथियों का कहना था कि लौटते हुए नाव को घाट की तरफ से घुमाकर लाएंगे, हालांकि मेरे साथियों का कहना था कि लौटते हुए नाव को घाट की तरफ से घुमाकर लाएंगे, हालांकि मल्लाह उस तूफान में उधर जाने के हक में नहीं थे। बहुत कहने पर मल्लाह किसी तरह राजी हो गए। उसके बाद में क्या है कि हम एक नाव में सवार हो जाते हैं, जो मल्लाह जो नाव को चलाने वाले होते हैं और वो किस किस तरह से समुद्र में अपनी नाव को ले जाते हैं लाते हैं, इन सब बातों को हम देख रहे थे। फिर उसी नाव में बैठे बैठे और बहुत कहने पर मल्लाह किसी तरह राजी हो गए और नाव को घाट की तरफ ले चले, और हमने एक बात कही मल्लाह को जो नाविक था उसको कि आप है उस नाव को घाट की तरफ ले चलो। नाव विवेकानंद चट्टान के ऊपर से घूमकर चट्टानों से थपेड़े खाते हुए उस तरफ बढ़ने लगी, और वह रास्ता सचमुच बहुत खतरनाक था। जिस रास्ते से हम आए थे उससे कहीं ज़्यादा नाव इस तरह लहरों से ऊपर उठ जाती थी कि लगता था कि नीचे आने तक जरूर उलट जाएगी, और नाव है वो इतनी स्पीड से पानी की लहरों के साथ में ऊपर उठ रही थी और नीचे गिर रही थी कि हमारे को ऐसे लगता कि नाव जब नीचे जाएगी तो वो एक तरह से पलट जाएगी। फिर भी हम घाट के बहुत करीब पहुंच चुके थे। ग्रेजुएट नवयुवक घाट से आगे की चट्टान की तरफ इशारा करके वह कह रहा था, तो वो जो ग्रेजुएट नवयुवक है वो मेरे को एक चट्टान की तरफ इशारा करके कहा था कि यहाँ आत्महत्याएँ बहुत होती हैं। अभी 2 ही महीने पहले एक लड़की ने उस चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, कि एक लड़की थी उसने इस चट्टान से कूदकर इसी पानी में आत्महत्या है वो कर ली थी। फिर मैंने सरसरी तौर पर आश्चर्य प्रकट कर दिया। मेरा ध्यान उसकी बात में नहीं था और मैं आंखों से तय करने की कोशिश कर रहा था कि घाट और नाव के बीच अब कितना फासला है, और मेरे मन में इतनी हो रही थी कि घाट है वो कब आ जाए और ये जो नाव है इसके बीच में अब तक कितनी दूरी है। एक लहर ने नाव को इस तरह धकेल दिया कि मुश्किलों से वह उलटते पलटते बची। आगे 3-4 चट्टानों के बीच एक भंवर पड़ रहा था, पानी का भंवर, पानी है जिस तरह से हिलोरें लेता है उसका भंवर पड़ रहा था। नाव अचानक एक तरफ से भंवर में दाखिल हुई और दूसरी तरफ से निकल आई। इससे पहले कि मल्ला उसे संभाल पाते वह फिर उसी तरह भंवर में दाखिल होकर घूम गई, और मुझे कुछ क्षणों के लिए भंवर और उससे घूमती हुई नाव के सिवा और किसी चीज़ की चेतना नहीं रही। और जब हमारी नाव है वो उस पानी की हिलोर में एक तरह से घूम चुकी थी तो मेरे को भी यानी किसी बात की चेतना है वो नहीं रही। चेतना हुई जब भंवर में तो 3-4 चक्कर खा लेने के बाद, और नाव किसी तरह है उससे बाहर निकल आई। यह अपने आप या मल्लाहों की कोशिश से मैं कह नहीं सकता, और जो भी हमारे साथ में ये जो भंवर में हिलोरें लेने वाली जो बात हुई थी ये उनकी मल्लाहों की कोशिश से हुई या अपने आप ये घटना हुई इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। भंवर से कुछ दूर आ जाने पर ग्रेजुएट नवयुवक ने बताया कि हम उस चट्टान को लगभग छू कर आए हैं जिस पर से कूदकर उस नवयुवती ने कन्याकुमारी की साक्षी में आत्महत्या की थी, और उसी चट्टान को हम छू कर आए हैं
बहुत करीब से जिस चट्टान पर उस नवयुवती ने कूद कर आत्महत्या की थी, ये ग्रेजुएट नवयुवक उसके बाद में ये बात बताता है। पर मैंने तब तक उस चट्टान की तरफ ध्यान से नहीं देखा जब तक हम किनारे के बहुत पास नहीं पहुंच गए। फिर है यह है यह भी वहां पहुंच कर जाना कि घाट की तरफ आने का इरादा छोड़कर मल्ला उसी रास्ते से नाव को वापस लाए हैं जिस रास्ते से पहले गए थे, और जिस रास्ते से हम गए थे उसी रास्ते से हम वापस आए हैं। कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियाँ बज रही थी। भक्तों की एक मंडली अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवार के पास रुककर उसे प्रणाम कर रही थी। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। हमारी नाव और किनारे के बीच अब हल्की धूप कई एक नाव के पाल और कड़लकाकों के पंख एक से चमक रहे थे, और मैं अभी आंखों के बीच किसी दूरी नाप रहा था और मन में बसों का टाइम टेबल दोहरा रहा था। और अपने मन में वो, क्योंकि मेरे को उस स्थान पर वहाँ पर जाना था जहाँ पर मैं उस दराज में अपने पन्ने छोड़कर आ गया था, और वहाँ पर जाने वाली बसों का ये जो टाइम टेबल है वो भी मैं दोहरा रहा था। तीसरी बस 9:40 और चौथी पर, इस तरह से मेरे मन में बसों का जो टाइम टेबल है वो चल रहा था। फिर आगे है, उसके बाद एक शाम वहाँ रुक कर कनाकोर लौट गया। वहाँ जाकर अपने लिखे कागज मिल तो गए, और उसके बाद में लेखक क्या करता है, किसी बस से कनाकोर चला जाता है जहाँ पर वो कागज छोड़ के आया था, वहाँ जाता है। वहाँ जाकर अपने लिखे कागज तो मिल तो गए, तब तक चौकीदार ने उन्हें मोड़कर उनकी कॉपी बना ली थी। वहाँ का जो चौकीदार है उसने उन कागजों की मोड़कर एक कॉपी बना ली थी। कागजों पर लिखाई एक ही तरफ थी, इसीलिए उनके खाली हिस्सों पर उसने अपना हिसाब लिखना शुरू कर दिया था। और उसने क्या किया, जो चौकीदार था उसने कॉपी बना ली थी, और जिस तरफ कुछ लिखा हुआ नहीं था उस तरफ चौकीदार ने अपना हिसाब लिखना शुरू कर दिया था। जब मैंने वह कॉपी उनसे ली तो उसे शायद उससे कम निराशा नहीं हुई जितनी कन्याकुमारी पहुंचकर अपना सूट को केस खोलने पर मुझे हुई थी। और उसके बाद में चौकीदार को भी काफ़ी है वो निराशा होती है कि मैंने ऐसा क्या काम कर दिया, किसी आए हुए मेहमान के जो इम्पोर्टेंट पोस्ट थे उनके साथ में मैंने ऐसा क्या किया, तो उसको भी बहुत निराशा होती है। तो इस तरह से साथियों आपका जो अध्याय है ये पूर्ण होता है। अगर इस अध्याय में अगर आपको कहीं पर भी बहुत सी बातें इस प्रकार की हैं जो हो सकता है आपके समझ में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन आपको इस वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देखना है, कहीं पर भी मैंने ऐसी कोई बात नहीं है जो समझ आने से छोड़ी हो, तो आपको वापस वीडियो को स्टार्ट करके उन बातों को स्पष्ट कर लेना है। अब हम कुछ कठिन शब्दार्थ हैं उनका अर्थ देखते हैं। जैसे विस्तार है उसका अर्थ फैलाव दिया है, संगम है उसका मिलन स्थल, फिर क्षितिज है जहाँ धरती और गगन के मिलने का आभास हो, धरती और आकाश जहाँ पर मिलते हुए प्रतीत हो उस स्थान को क्षितिज कहते हैं, चोटी है वो शिखर को कहते हैं, झुरमुट पेड़ और झाड़ी जिनकी डालियाँ मिलकर कुंज सा बना रही हों, सुरमई सुर में रंग का हल्का नीला, हिंद से एक अंक यानी 1, 2, 3 अरबी में हिंद से कहते हैं, अंकों की संख्याओं को अरबी में हिंद से कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, और कडल काको है वो एक समुद्री पक्षी को संबोधित किया गया है। फिर अब आपसे जो प्रश्न पूछने थे वो आप बताएंगे इन प्रश्नों के उत्तर। जैसे पहला प्रश्न है कि मोहन राकेश ने किस कहानी पत्रिका का संपादन किया, ऑप्शन है सारिका, दिनमान, धर्मयुग, कल्पना, तो आप जल्दी से बताएं कि कहानी पत्रिका का संपादन मोहन राकेश ने किया था, तो वो पत्रिका थी सारिका। सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि किसे कहा गया है, वो बताना है हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, कन्याकुमारी। तो इस पाठ की जो शुरुआत होती है वो ही इसी उपनाम से होती है कन्याकुमारी के, कि सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि है वो कन्याकुमारी को कहा जाता है। फिर अब जो अति लघुरात्मक प्रश्न है उनके बारे में भी आप जवाब देंगे। कन्याकुमारी में किन तीन सागरों का संगम होता है, कि किन तीन सागर हैं वो आपस में मिलते हैं, तो कन्याकुमारी में 300 सागर मिलते हैं, उनके नाम हैं अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, इन तीनों का संगम कन्याकुमारी में होता है। विवेकानंद ने कहाँ समाधि लगाई थी, तो कन्याकुमारी की एक जो चट्टान है उस चट्टान पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। लेखक किन पेड़ों के झुरमुट दिखाई दिए, किन पेड़ों के झुंड हैं वो दिखाई देते हैं लेखक को, बताएं आप, तो नारियल के पेड़ों के झुंड हैं वो दिखाई देते हैं। कनाकोर के होटल में लेखक क्या भूल आया था, तो लेखक है वो कनाकोर में 16-17 दिन तक वहाँ पर रुका था, और रुकने के दौरान जो अपने पृष्ठ लिखे थे उन्होंने वो पृष्ठ
होटल की जो दराज है, मेज की जो दराज है उसमें वो भूल आया था। कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में है? तो कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में है। तो इस तरह से ये आपका अध्याय है ये पूर्ण होता है, और ऐसे ही अध्यायों की श्रृंखला लगातार जारी रहेगी। आप लगातार पढ़ते रहें, अध्ययन यूं ही करते रहें, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।